के जनपद बुलंदशहर में 2 साल की मासूम को रेप के बाद मौत की नींद उड़ा देने वाले दरिंदे को फांसी की सजा मिली। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 45 साल के दरिंदों को फांसी की सजा। सजा के बाद पीड़ित बच्ची का पिता बोला, ऐसे दरिंदों को ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए सजा। केस कोर्ट में आने से पहले मार दी जाने के लिए 10 जुलाई 2020 को खेलते समय बच्ची को अपने घेर में वारदात को अंजाम देकर बच्ची को तालाब में फेंककर फरार हो गया था आरोपी। तालाब से गायब होने के 3 दिन बाद मिला था मासूम का शव। 1 वर्ष 4 माह चले इस केस में कोर्ट ने सुनाया दरिंदे को फांसी की सजा। ये घटना, ये लड़की थी 2 साल 2 माह की, और ये दोपहर 2 बजे के बाद में खेल इसने मकान में से उठा दी। आमने सामने का मकान था हमारे, और उठाकर उसे जो कुछ किया वो किया होगा। फिर हमने वो ढूंढी झाड़ी तो मिली नहीं। इसने भी हमारे साथ खुलवाई। जब पुलिस ने ये 3रे दिन वो लड़की का हाथ तालाब में था, जब सब तालाब में मिल गया तो पुलिस आई, पुलिस ने लड़की निकाली और कोई मुलजिम नहीं मिला, तो पुलिस ने 4 खाए। और जब ये हांग प्रेम सिंह हांग आज मैंने मार दिया और मैंने चलाना फेंकी है। आज क्या हुआ है? आज तो इसका जजमेंट हुआ। जजमेंट हुआ आज क्या आया? जजमेंट जजमेंट है ये फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसमें 1 लाख रुपये जुर्माना और 1 साल की सजा फांसी की सजा वो दी है। फांसी की सजा 1 साल की। पल्लवी अग्रवाल वो हैं जज, उन्होंने सुनाई। क्या नाम है आपका? सतीश चंद शर्मा। उसने बच्ची घर के सामने से उठाई थी उसमें, और बच्ची के साथ बहुत गलत काम करा। उसके बाद बच्ची 2 दिन बाद डेड बॉडी में उसे दुबका के रखी। जब उसने देखा कि अब मेरा पेस नहीं चलेगा, ज़्यादा ढूंढने लगे, तो उसने बच्ची को तालाब में घेर दिया था। घर के पास में तालाब थी, तो 2 दिन बाद बच्ची अपने आप पैर के ऊपर आई थी। तो जब बच्ची मिली थी, फिर हमें पता पड़ा कि पुलिस वालों ने आपस में वहाँ के जो लोग थे उनको उठाया था। तो जब इस अपराधी ने अपना खुद कबूल करा था कि हाँ कि मैंने बच्ची उठाई थी और मैंने बच्ची के साथ इतना ये काम करा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर तो आपको पता है कोर्ट में मतलब तारीख पर तारीख लगती रही और आज जाके फैसला हुआ। मगर 10 जून 2020 के को लड़की मिली थी, मतलब 12 जून में 10 जून में तो वो हो गई थी मतलब। अच्छा, आज कोर्ट का जो फैसला आया उससे क्या मन में खुशी है? बहुत खुशी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत खुशी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इतना लंबे समय ना लगते, जल्दी से जल्दी फैसला हो। मतलब जो वो अपने घर में खुशी मना रहे हैं, ये आज हम तो खुश हैं। ये खुशी हमें बहुत पहले मिल जाती तो और अच्छा रहता। क्या नाम है आपका? अंकुर। अपना परिचय दे रहा हूँ। घटनाक्रम आज पोस्को जो मेन न्यायालय है पल्लवी अग्रवाल जी साहब, उनके द्वारा एक 2 साल की बच्ची गांव शिकारपुर हिन्नोट का मामला था। उसमें 2 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको बेहोशी की हालत में जो एक्यूज था पड़ोसी प्रेम सिंह, उसने अपने यहां डाल दिया। पुलिस ने इनके परिवारजन जो मृतक हैं, इनके परिवारजनों ने अज्ञात में तहरीर दर्ज कराई थी। पुलिस ने IG महोदय भी, SSP महोदय भी, और जो थाना पुलिस CO साहब सब थे, इन्होंने 3 किलोमीटर तक सब इनका मकान दुकान तालाब सर्च अभियान चलाया था। तो उसके बाद में लड़की वहाँ मिली जो एक्यूज है प्रेम सिंह के घेर से। इसके पजेशन से ही ब्लड में रक्त रंजित कपड़े और सारी चीज़ें, लड़की के कपड़े अपने कमरे से पुलिस के सामने निकाल के दिए थे इन्होंने। उसके आधार पर इसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने, डॉक्टर सब साथ थी और भी डॉक्टर थे, क्योंकि बच्ची थी 2 साल की तो महिला डॉक्टर भी थी, उन्होंने पाया कि इसमें रेप से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने फॉरेंसिक के लिए भेजा, लखनऊ फॉरेंसिक से उसमें रेप की पुष्टि आई थी।
बहुत विधिवत तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन चली। 11 दिन में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज साहब महोदय ने तत्काल इसको CGM महोदय के यहाँ दाखिल होते ही वो जो तुरंत वहाँ उसको में आरोप पत्र दाखिल होते ही इसमें चार्ज बना। DYD मुकदमा चला, बीच में कोरोना वगैरह की वजह से थोड़ा लंबित हो गया। और इस तरह के सजा होने पर जो समाज में अपराध की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं इन पर जरूर अंकुश लगेगा। इसके दीर्घगामी परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। गुड नेम सर, मेरा विपिन बोहरा है। सर क्या नाम है आपका और कौन सी कोर्ट में आप? मैं मेन पॉक्सो देख रहा हूँ, मैं और महेश राघव जी साथ में हैं। अच्छा, आज एक 2 साल की बिटिया के रेप और हत्या के मामले में एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये प्रकरण क्या पूरा है? ये असल में पड़ोसी था इनका, बच्ची को अक्सर खिलाता रहता था बाहर, खिलाते खिलाते सामने उसका घेर था उसमें ले गया। वहाँ उसका कहना ये था, अदालत में उसने नहीं कहा मगर उसका गवाहों का कहना ये था कि उसका मन बदल गया, खिलाते खिलाते घेर में ले जाकर उसका रेप किया और बेहोशी की हालत में उसे तालाब में फेंक दिया लड़की बच्ची को। अच्छा, ये कब की घटना है और किस तरह की कोर्ट में दलीलें दी गई और इस जो आरोपी है किस आधार पर आरोप सिद्ध हुआ? ये 10 जुलाई 2020 की घटना है और इसमें करीब 8 गवाह पेश हुए हैं। कुछ गवाह हॉस्टाइल भी हुए थे, अब वो गांव का दबाव रहा या जो भी रहा हो, मगर कुल मिला के साइंटिफिकली मेडिकली हर तरह से प्रूव हो रहा था। और इसके अलावा उसने बच्चे, उसके उसका कहना ये था जी मेरे तो घेर में बच्चे जानवर जा ही नहीं सकते, मैंने तो लकड़ डाला हुआ है वहाँ, तो फिर वो 2 साल की बच्ची अपने आप चल कर तो नहीं जा सकती। वहाँ पीछे तालाब था जहाँ उसने उसकी डेड बॉडी को फेंका, उसकी डिस्टेंस भी 7 से 8 फीट थी और तालाब के पास में झाड़ियाँ थीं, तारबंदी हो रही थी जिसकी वजह से लड़की अपने आप तालाब में गिर नहीं सकती थी, वहीं पे अटक जाती, इंटेंशनली उसे फेंका गया वहाँ से। जब फांसी की सजा के साथ कोई दंडात्मक अन्य कार्रवाई भी की? जी, इसमें 302 में मुजरिम को फांसी दी गई है, 376A और 5M6 पॉक्सो में, दोनों में फांसी की सजा दी गई है, प्लस 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पे 1 साल सश्रम कारावास और भोगना पड़ेगा उसे। आरोपी की उम्र कितनी रही? आरोपी की उम्र होगी इस करीब 40-42 के करीब।